भिंड जिले के गोहद कस्बे में एक छात्रा ने गुड़गांव में रहने वाली एक युवती के चक्कर में खुद की ही किडनैपिंग करवा ली। बता दें कि छात्र को गर्लफ्रेंड से मिलने जाना था, इसलिए युवक ने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। इसके बाद मोबाइल पर एक एप्लीकेशन के माध्यम से वॉइस बदली और पिता को फोन लगाकर अपहरण की बात कही और फिरौती की मांग की। जब परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई तब मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने दबिश देकर युवक को घर से धर दबोचा और ग्वालियर चंबल संभाग में यह पहला मामला है जबकि किसी ने मोबाइल एप्लीकेशन से वॉइस बदलकर स्वयं के अपहरण की कहानी रची हो। मेरे को अपनी जेब से मिलना था, पैसों की जरूरत थी, तो मैंने घर पर चर्चा चलाई तो मेरे को पैसे नहीं मिले, इसलिए मैंने पैसों की मांगने के लिए मैं यहाँ से ग्वालियर चला गया और मैंने झूठी बोल दी कि आपका लड़का मेरे पास है, मेरे को पैसों की ज़रूरत है, 2.5 लाख रुपए दे दो वरना आपके लड़के को मैं जान से ख़त्म कर दूंगा। किससे बोली आपने? पिताजी से, अपने से। अच्छा, ख़त्म आप किसको करना चाह रहे थे? अपने आप की धमकी दे रहा था। अच्छा, स्वयं आवाज बदल के फोन कर रहे थे? मैजिक कॉल से आवाज चेंज की थी, वॉइस चेंज। अच्छा, मैजिक कॉल तुम्हारे मोबाइल में डाउनलोड था? या। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? 12th अभी इस साल ही की थी और डीसीओ का आधी साल चल रही थी डीसी। अच्छा, जो प्रेमिका थी आपकी, गर्लफ्रेंड थी, उससे कितने समय से आपका संपर्क था? उससे सावन के और पहले, मतलब मई जून में शायद मुलाकात हुई थी, मौसी के यहाँ पे गया था जब। शायद हुई थी कि हुई थी? हुई थी। अच्छा, जब से उसे चल रहा है। संदीप कुशवा 6 तारीख को ही शाम 6 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया। उसकी रिपोर्ट पर से अपने थाना पर मेंशन कायम किया जिसकी विवेचना अपने इच्छक महेंद्र सिंह ठाकुर को दी गई। इसके बाद दरंग 8 तारीख को सुरेंद्र सिंह पुनः थाने पर आते हैं, बताते हैं कि मेरे पास मेरे लड़के के ही नंबर से कॉल आया है कि मैं तुम्हारे लड़के को जान से ख़त्म कर दूंगा अगर तुम 2.5 लाख रुपये मेरे को उपलब्ध नहीं कराएंगे, लेकिन उन्होंने जगह और स्थान नहीं बताया और बताया कि कॉल में यही बताया गया सुरेंद्र सिंह को कि इसके बारे में आपको जगह और स्थान के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद सुरेंद्र सिंह हमारे थाने पर आते हैं और उन्होंने कॉल के संबंध में पूरी जानकारी दी। इसके बाद हमने पुलिस पार्टी सक्रिय की इसमें और पुलिस पार्टी अपने इच्छा महेंद्र सिंह ढाकड़ के निर्देश उसमें पार्टी गठित की गई और उसको मैं 4-5 घंटों में लड़के को दस्तिया ग्वालियर से कर लिया। इसमें सत्यता क्या पाएगी सर उसी? लड़के से जब पूछताछ की गई तो उसमें निकल के जे आया कि लड़का अपनी मर्जी से यहाँ से गया था और लड़के के द्वारा जो 8 तारीख को कॉल किया वो 8 तारीख को जो उसके लड़के बाप पे जो कॉल आया था वो स्वयं उसी के लड़के ने ही कॉल किया था। संदीप ने एक मैजिक कॉल ऐप है उसके माध्यम से वॉइस चेंज करके, चूँकि लड़के ने जो बताया है कि उसका एक प्रेम संबंध है गुड़गांव में, उसकी गर्लफ्रेंड है, उससे मिलने जाना था, उसने अपने पिताजी से पैसे की मांग की थी लेकिन उनके संदीप के पिताजी ने पैसे देने से मना कर दिया, तो फिर लड़के ने जो कदम उठाया।